بسم الله الرحمن الرحيم. Creating sense of responsibility towards society. हमने बच्चे को ये नहीं कहना कि मैं ये जो कुछ मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मेरा मकसद ये है कि जिस तरह वो लॉर्ड मैकार्ले का हम निजामे तालीम कहते हैं ना, तो उसमें जो बाद में वुड्स डिस्पैच और लॉर्ड वुड था जिसने उसकी बेस पे एक यहाँ से नोट भेजा था अंग्रेजों को जिसमें उन्होंने पूरी की पूरी एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी, उन्हीं कहा था कि बस इस तालीम को तुम वाबस्ता कर दो रिजक के साथ. तो हमारे भी तालीम का मकसद वही है कि डिग्री मिलेगी और इस डिग्री के बेस पर मुझे आगे अच्छी नौकरी मिलेगी. हम ये चीज उसमें से खत्म करके उसमें जहन की ये चीज डालेंगे कि हमने जो यहाँ पे तालीम हासिल करनी है इसके नतीजे में हमारे ऊपर सोसाइटी की जिम्मेदारियां हमारे ऊपर बढ़ जाएंगी. हमने इसके बदले में इसकी आउटपुट जो है वो अपनी जेब को नहीं देनी बल्कि सोसाइटी को देनी है, इंसानियत को देनी है. इनहेंसिंग लॉयलिटी विद द होमलैंड, ये भी एक अहम मकसद है. अभी भी जो हायर एजुकेशन से यहाँ पे लोग हैं अक्सर आजकल तो डिग्री प्रोग्राम के जो इश्तेहार आते हैं ना उसमें भी लिखा होता है ये स्प्लिट डिग्री प्रोग्राम है, इसमें दो सेमेस्टर आपने इधर पढ़ने, बाकी दो सेमेस्टर ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ेंगे, तीन सेमेस्टर आपने इधर पढ़ने, 14 सेमेस्टर आपने इंग्लैंड में जाके पढ़ेंगे. लोग कहते बस ये लो नौकरी तो पक्की होगी ना, पाकिस्तान से तो जान छूटी ना. हम इस मुल्क के साथ, इस मिट्टी के साथ बच्चों के अंदर मोहब्बत पैदा करेंगे, वो सेल्फ रियलाइजेशन और फिर वो सेल्फ रियलाइज जिसकी शुरू में हमारे ये बात हुई है ना, हमारे विजन के अंदर जो चीज लिखी हुई है, हम ये चीज पैदा करेंगे. उस सेल्फ में से सेल्फ एक हमारा वतन भी है.